नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पर और इस अफगानिस्तान को तालिबान के द्वारा अपने कंट्रोल में कर दिया गया है, जिसे आप कह सकते हैं कि अब तालिबान का कब्जा पूरे अफगानिस्तान में हो चुका है। और तालिबान के द्वारा जो न्यू कैबिनेट का विस्तार हुआ है और जो नए मंत्रालयों का विस्तार हुआ है, और उसी कैबिनेट के द्वारा न्यू रूल ऑफ लॉ का भी गठन तालिबान में हुआ है। और इसके तहत जो ये न्यू रूल ऑफ लॉ, इसे आप कह सकते हैं ये एक शरिया लॉ के तहत, इसमें इस्लामिक रूल को फॉलो किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो ये कानून का आवंटन हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, ये शरिया लॉ के अंडर, और इसमें पूरा इस्लामिक रूल को फॉलो किया जाएगा। और इस्लामिक रूल को रूल के तहत ही नए कानून को बनाया जा रहा है। और इसके तहत इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई, वो सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि जो इस्लामिक रूल ऑफ लॉ बना, वो एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा कठोर, और इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया जा रहा है। और यदि कोई चोरी करता है तो इस्लामिक रूल लॉ के तहत उसके हाथ काट दिए जाएंगे, ये इस्लामिक रूल ऑफ लॉ के तहत कहा गया है। और इसके बाद जो वहाँ पर नया कानून बना, वो बना यदि कोई भी व्यक्ति या स्त्री अवैध संभोग या अवैध रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, तो वहाँ के कानून के तहत उनके ऊपर चौराहे पर पत्थर गिराए जाएंगे और उन्हें पत्थरों से मार गिराया जाएगा। ये भी एक तालिबान न्यू रूल ऑफ लॉ के तहत इस कानून को पेश किया गया। और जब तालिबान का रूल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में था, तो उस टाइम वहां के मंत्रालयों के द्वारा पुलिस को गठित किया गया, पुलिस को पूरे अफगानिस्तान में गठित किया गया। और जो ये पुलिस को गठित किया गया, यही पुलिस वहां पर कानून को संचालित करती थी। यदि कोई दोषी पाया जाता था तो उसे वो सजा का प्रावधान भी करती थी, यदि कोई दोषी नहीं पाया जाता था तो उसे सजा का प्रावधान भी नहीं था। यदि कोई व्यक्ति तालिबान न्यू रूल ऑफ लॉ में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई सजा, कोई कुख्यात काम करता है जानबूझकर, तो उसे, तो न्यू रूल ऑफ लॉ तालिबान में कहा गया है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी से कोई गलती हो जाती है या जानबूझकर वो कुख्यात काम नहीं करता है, तो उसे उसमें भी सजा का प्रावधान दिया गया है। जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो है कि उसे जुर्माने के तौर पर राशि देनी होगी, और उसमें थोड़ा सा सजा का प्रावधान भी रखा गया है। ये न्यू रूल ऑफ लॉ तालिबान में कहा गया है, और उसके तहत कोई भी काम करने वाली
महिलाएं हैं, यदि कोई भी काम करने वाली महिलाओं के साथ नौकरी पेशे वाली महिलाएं हैं, वो अपने घर से बाहर तभी ही निकल पाएगी यदि उसके साथ उस घर का पुरुष उसको सुरक्षा देता है, उसके साथ उस स्थान तक जाता है जहां पर उस स्त्री का काम है। यदि वो नौकरी करती है, यदि उसे बाजार से सामान लाना है, यदि उसे किसी के घर जाना है, तो उसके साथ उसका पति या उसका बेटा या उसका कोई सका संबंधी होना उसके साथ जरूरी है। ये भी न्यू रूल ऑफ लॉ में कहा गया है। तालिबान न्यू रूल ऑफ लॉ एक तरह का इस्लामिक और इस्लाम को फॉलो करने वाला रूल ऑफ लॉ है, और इसके तहत इसमें स्त्रियों को पुरुषों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। परंतु इसमें यदि कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष जानबूझकर कोई गलती करता है, तो इसमें जो सजा का प्रावधान दिया गया है, वो सजा का प्रावधान भी बहुत ज्यादा कठोर और निंदनीय है। और इसमें एक तरह का आप कह सकते हैं कि भय का रूप भी पैदा हो सकता है, और ये शरिया लॉ के तहत इस्लाम इसे फॉलो करेगा। और इसके साथ साथ इसको फॉलो करने के बाद लोगों के अंदर भय भी पैदा हो सकता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।